Chapter 27 Naming Words. This chapter is about naming words. Naming words already आपने English में learn किए हुए हैं, फिर से हम एक बार discuss कर लेते हैं. Naming words are name of any person, place, animal, thing or any idea. देखो naming words क्या होते हैं, कोई भी person यानी कोई भी इंसान का नेम हो सकते हैं, कोई भी प्लेस मतलब कोई भी जगह के नेम हो सकते हैं, एनिमल कोई भी एनिमल का नेम हो सकता है, थिंग और एन आइडिया कोई भी वस्तु या फिर कोई एक आइडिया हो सकता है, देट आर नेमिंग वर्ड्स. देखो इस चैप्टर में आपको एक पजल दिया हुआ है, आप देख सकते हो, और हमें कुछ क्लूज दिए हुए हैं, हमें सेंटेंस लिखे हुए हैं, वो सेंटेंस रीड करके हमें डिसाइड करना है कि उसका आंसर क्या होगा. ठीक है, एज ए हेल्प बॉक्स आपको पजल के साइड में पिक्चर्स दिए हुए हैं, देख सकते हो आप. देखो फर्स्ट पिक्चर आपको दिया हुआ पेंसिल का, बर्ड, सन, फिश, फ्लावर एंड वाटर, आपको ये पिक्चर्स दिए हुए हैं, ये पिक्चर्स की हेल्प से हमें हमारा पजल है वो सॉल्व करना है. रीड द क्लूज एंड सॉल्व द पजल, यहाँ पर हमें जो क्लूज दिए हुए हैं वो रीड करके हमें पजल को सॉल्व करना है. अक्रॉस, फर्स्ट क्या लिखा है, across, अक्रॉस मतलब सीधी लाइन में हमें जाना है, हमें हॉरिजॉन्टली देखना है. फर्स्ट क्वेश्चन, वी ड्रिंक इट व्हेन वी आर थर्स्टी, हमें जब प्यास लगी होती है तब हम क्या पीते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आया, पानी पीते हैं. यस, जब भी हमें प्यास लगी होती है हम पानी पीते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, वाटर, water, वाटर. तो देखो आपको बॉक्स में देखना है, जहाँ वन नंबर लिखा हुआ है वहाँ लिखा है water, वाटर, वहाँ पे आपको लिखना है W लिखा हुआ है, बाकी का पीछे का आपको लिखना है water, वाटर, और वहाँ पर आपको वाटर का पिक्चर भी दिया हुआ है. नाउ सेकेंड वन इज़ इट ब्लूम्स ऑन ए प्लांट, मतलब वो प्लांट पर खिलता है. ऐसी क्या चीज़ है जो प्लांट पर खिलती है, तो हमारे माइंड में आया फ्लावर, प्लांट पर क्या खिलते हैं, फ्लावर्स. तो देखो आपको सेकेंड नंबर दिया हुआ है और वहाँ पर फ्लावर का पिक्चर दिया हुआ है, तो F लिखा हुआ है, उसके आगे का स्पेलिंग हमें लिखना है FLOWER, फ्लावर. नाउ लुक एट द थर्ड वन, इट शाइन्स इन द स्काई, ये भी हमने हमारे एक पहले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 15 में, कि स्काई में क्या शाइन करता है, हमारे माइंड में क्या आया, सन. देखो थर्ड नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ आपको सन का पिक्चर दिया हुआ है और थ्री पे एस लिखा हुआ है, तो इट्स आंसर इज सन, SUN, सन. नाउ अभी देखो तीन क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, नाउ अभी देखो आपको अगेन थ्री क्वेश्चंस दिए हुए हैं, डाउन, DOWN, डाउन. डाउन मतलब ये जो आंसर्स हमें ऊपर से नीचे की तरफ लिखने हैं. ओके, सेकेंड वन वहाँ पे सेकेंड नंबर दिया हुआ है, इट लिव्स इन वाटर, वो पानी में रहता है, तो पानी में कौन रहता है ये हमें पता है, यस फिश, पानी में कौन रहता है, फिश. देखो हमें फिश की पिक्चर भी दी हुई है एंड में, जहाँ पे टू नंबर लिखा हुआ है ऊपर से नीचे तक वहाँ हमें फिश का पिक्चर दिया हुआ है, तो उसमें क्या आएगा, FISH, फिश. नाउ फोर्थ वन, वी राइट विथ दिस, हम जब लिखते हैं तब हम किसकी हेल्प से लिखते हैं, आप लिखने के लिए क्या यूज़ करते हो, पेंसिल, क्या यूज़ करते हैं हम, पेंसिल. हमारे पेज के टॉप पर सबसे ऊपर देखो हमें पेंसिल का पिक्चर दिया हुआ है और वहाँ पर P लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर लिखा है वहाँ P लिखा है, तो हमें क्या लिखना है, PENCIL, पेंसिल, क्या लिखना है हमें वहाँ पर, पेंसिल लिखना है. नाउ लुक एट द लास्ट वन, फिफ्थ वन, इट फ्लाइज इन द स्काई, स्काई में क्या उड़ता है, तो स्काई में कौन उड़ते हैं, बर्ड्स. यस, हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, बर्ड्स. देखो फिफ्थ नंबर जहाँ दिया है ऊपर से नीचे वहाँ हमें बर्ड का पिक्चर दिया हुआ है, तो वहाँ हमें क्या लिखना है, BIRD, बर्ड. ओके, ये हमारे सिक्स क्वेश्चंस थे पजल के, सिक्स क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए. चैप्टर 28 मैसेज मिक्स, ये जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 28 मैसेज मिक्स, ये है हमारा एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर है. देखो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, एक गेम खेलना है, एक पेज पर हमें बहुत सारे लेटर्स दिए हुए हैं ना,
अब देखो उसमें से हमें क्या करना होगा, कुछ लेटर्स को क्रॉस करना होगा, तो एट द एंड वो जो लेटर्स बचेंगे उसमें से एक मैसेज बनेगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। क्रॉस आउट एवरी थर्ड लेटर, राइट द रिमेनिंग लेटर्स इन द सेम ऑर्डर इन द गिवन स्पेस एंड गेट ए मैसेज। देखो हमें बहुत सारे लेटर्स दिए हुए हैं, हमें एवरी थर्ड लेटर कट करना है। फर्स्ट हमें स्टार्ट करना है डब्ल्यू ई, वो रखना है, थर्ड लेटर क्या आया क्यू, उसे कट किया। नाउ आर ई, वो दो लेटर्स हमें रखने हैं, अगेन थर्ड लेटर हमें कट करना है, आर कट करना है। नाउ लुक एट द सेकेंड रो, एस और पी हमें रखना है, थर्ड लेटर इज अगेन एस, उसे हमें कट करना है। नाउ ई और सी हमें रखना है, और थर्ड लेटर क्या हुआ टी, उसे हमें कट करना है। सेम नीचे की तीन रोज के लिए भी हमें कंटिन्यू करना है, फर्स्ट दो लेटर रखने हैं, थर्ड लेटर कट करना है, अगेन दो लेटर्स हमें रखने हैं एंड थर्ड लेटर कट करना है। एट द एंड हमें एक मैसेज मिलेगा। पूरा पेज हमने कट करके ऐसे कंप्लीट किया, अभी देखो हमें क्या मैसेज मिला, डब्ल्यू ई वी आर ई एस पी ई सी टी रिस्पेक्ट ओ यू आर अवर टी ई ए सी एच ई आर एस। क्या मैसेज मिला हमें, वी रिस्पेक्ट अवर टीचर्स, हम हमारे टीचर्स का सम्मान करते हैं। है ना, एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना ये। अभी देखो पेज के एंड में आपको एक ब्लैंक दिया हुआ है, तो इस चैप्टर में से हमें जो मैसेज मिला है वी रिस्पेक्ट अवर टीचर्स, वो हमें वहाँ पर लिखना है। ठीक है, और देखो ग्रीन बॉक्स रियल लाइफ में क्या दिया हुआ है, हैव फन व्हाइल यू वर्क। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम मस्ती से करेंगे तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। अब देखो ये चैप्टर की एक्टिविटी हम करेंगे, अब जब स्कूल आओगे तब हम हमारा नेम लिखेंगे, ऐसे एक पेज पे हमें हमारा नेम लिखना है और एवरी थर्ड लेटर हमें कट करना है, फिर उसमें से जो बचेगा वो क्या होगा, हमारा नेम हमें मिलेगा। ऐसी एक्टिविटी हम करेंगे। ओके,